शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की एनसीसी इकाई डी कंपनी गुना में नव प्रवेक्षित छात्र छात्राओं की भर्ती कराई गई। 35 एमपी बटालियन एनसीसी शिवपुरी के कमान अधिकारी कर्नल अंचल कुमार व शिवपुरी से आए पीआई स्टाफ की उपस्थिति में भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई। भर्ती प्रक्रिया में कुल 106 छात्र छात्राएं उपस्थित रहे, जिनका फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व लिखित परीक्षा के मापदंडों पर इम्तिहान लिया गया। अंत में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ वीके तिवारी व बॉटनी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ निरंजन श्रोत्रिय द्वारा डी कंपनी के सीनियर कैडेट्स की रैंक सेरेमनी की गई और महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सभी पुराने कैडेट्स के काम को सराहा गया व भर्ती के लिए आये हुए छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन कर उन्हें भी एनसीसी के जरिए महाविद्यालय का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया गया। डॉक्टर निरंजन श्रोत्रिय द्वारा भी डी कंपनी की कर्मठता को सराहा गया। डी कंपनी के एनओ कैप्टन मनोज कुमार भिरोरिया के निरीक्षण में भर्ती की पूरी कार्रवाई सफलतापूर्वक पूर्ण हो पाई और अंत में कैप्टन मनोज जी ने कर्नल अंचल कुमार शिवपुरी से आए पीआई स्टाफ महाविद्यालय के प्राचार्य व बॉटनी विभाग के विभागाध्यक्ष को वोट ऑफ थैंक्स देकर कार्रवाई का समापन किया। सर बताएं, आज भर्ती प्रक्रिया है एनसीसी की। जय हिंद, मैं कैप्टन मनोज कुमार बिरोरिया, एनसीसी अधिकारी, पीजी कॉलेज गुना। आज जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर वीके तिवारी के संरक्षण में और 35 बटालियन शिवपुरी के कर्नल अंचल कुमार वर्मा जो हमारे कमान अधिकारी हैं उनके निर्देशन में पूरी प्रक्रिया है। साथ में उनकी टीम पूरे 5 फौजी आए हुए हैं जो उस पूरी भर्ती प्रक्रिया को कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महाविद्यालय में पूरी एक कंपनी है जिसमें 160 कैडेट होते हैं, लेकिन इस साल पिछले साल जो बच्चे पास आउट हो गए हैं तो इस बार 86 बच्चों की वैकेंसी हमारे पास आई है। 86 बच्चों की वैकेंसी के लिए लगभग 125 फॉर्म हमारे पास आए और आज 130 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, जिनमें से केवल हम 86 बच्चों की भर्ती करेंगे। भर्ती प्रक्रिया में हम सबसे पहले शुरुआत में फिजिकल कराया उनका, चेस्ट हाइट, मेडिकल, डॉक्यूमेंटेशन ये सारा करके रिटन एग्जाम कराए। अभी आपने देखा होगा उधर रिटन एग्जाम चल रहा है। ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद फिर ये पूरा रिजल्ट बटालियन ले जाएंगे, वहां से रिजल्ट आई सीट आएगी, उसी के आधार पर हम 86 बच्चों की भर्ती करेंगे। जय हिंद।